अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। चैप्टर नंबर 6 लास्ट में हम बर्नौली इक्वेशन और उसकी एक एप्लीकेशन पढ़ चुके थे। उसकी और एप्लीकेशन जो थी वो अभी रह रही है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। स्पीड और प्रेशर के दरमियान क्या रिलेशन है? बर्नौली ने जो स्पीड और प्रेशर के दरमियान रिलेशन ड्राइव की, स्पीड एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। स्पीड और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे लाइक हम कॉमनली देखते हैं कि स्पीड और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन वो जो हम देख रहे होते हैं एक्चुअली स्पीड का इफेक्ट नहीं होता बल्कि एरिया का इफेक्ट होता है। जैसे पानी के पैर को प्रेस करें, प्रेस करते हुए वाटर स्पीड में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। एक्चुअली वो प्रेशर की वजह से इजाफा नहीं होता बल्कि वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कम कर रहे होते हैं, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के कम करने की वजह से स्पीड में इजाफा हो रहा है। वहां पर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इस्तेमाल हो रही होती है, बर्नौली इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रही होती। बर्नौली इक्वेशन का जो रिजल्ट है एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। स्पीड और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके हमने पहले मैथमेटिकल रिजल्ट देखा है और उसके बाद इसकी डेली लाइफ के अंदर जो एग्जांपल हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। मैथमेटिकल सपोज हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप है जिसकी हाइट जो है हमने सेम रखी है। इसमें सपोज वाटर फ्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा होने की वजह से स्पीड कम है और स्पीड को हमने सपोज किया है 1.2 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से स्पीड ज्यादा है 2 मीटर पर सेकंड। और इस जगह के ऊपर एरिया जिस वक्त कम है स्पीड ज्यादा, अब हम देखेंगे कि जहाँ स्पीड ज्यादा है वहां पर प्रेशर कम आ सकता है। बर्नौली इक्वेशन की हमने रिजल्ट उसके पहले ही ले ली। वन प्लस वन बाय टू रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू बी टू प्लस वन बाय टू रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच। चूंकि हाइट सेम है, हाइट सेम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, रो जी एच वन और रो जी एच टू दोनों आपस में इक्वल एक दूसरे से कैंसिल। अब इसमें टू को दूसरी साइड के ऊपर ले गए, यहाँ पर हमने पॉइंट ए था और यहाँ पर पॉइंट बी था, हमने इसे पी ए माइनस पी बी वन बाय टू रो कॉमन लिया, फिर टू स्क्वायर माइनस पी मार्क्स। इसमें जब वैल्यू पुट की तो रिजल्ट आया 1980 न्यूटन मीटर इन मार्क्स से किया, तो इसमें ये रिजल्ट पॉजिटिव तो पी ए ग्रेटर है पी बी से। अब पी ए पॉइंट ए के ऊपर स्पीड जो वो कम थी और जहां स्पीड कम थी वहां पर प्रेशर क्या आया? ज्यादा। इसकी जो एग्जांपल है हम डेली लाइफ के अंदर देखते हैं, सबसे पहले एग्जांपल जो है स्विंग ऑफ बॉल, क्रिकेट बॉल का स्विंग करना। क्रिकेट बॉल को स्विंग करते हुए हम देखते हैं कि बॉलर बार बार एक साइड को शाइनिंग कर रहा होता है और एक साइड को रफ रख रहा होता है। जिस साइड को शाइनिंग कर रहा होता है वहां पर एयर स्पीड जो है ज्यादा होती है और रफ साइड के ऊपर एयर स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब शाइनिंग साइड के अंदर जब स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो चीजें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जाने मूव करती है। जिस साइड के ऊपर प्रेशर कम होता है उसी साइड के ऊपर बाल क्या बन जाती है? स्विंग कर जाती है। और चिमनी इंडस्ट्री की चिमनी आई या घर के अंदर जो हम चिमनी यूज कर सकते हैं उसके अंदर क्या होता है? नीचे एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा होते हुए यहाँ पर इस वक्त स्टीम या आग बढ़ जाती है, यहाँ पर जो एयर है वो ज्यादा जमा होती है और ऊपर जो एरिया कम है यहाँ एयर ज्यादा जमा होते हुए यहाँ जो स्पीड है वो क्या हो जाती है?
जिस पर गैस की बढ़ेगी यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और नीचे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर प्रेशर जब कम होगा क्योंकि चीजें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जाती हैं, तो यहाँ से जो गैसेज होंगी वो इस चिमनी के जरिए से बाहर चली जाएंगी। ये सिर्फ फार्म घर के अंदर यूज होने वाली चिमनी नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री की चिमनी भी इसी फ्रिज के ऊपर डिजाइन की जाती है। अब नीचे उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है और ऊपर कम होता चला जाता है, एरिया कम हो तो वो स्पीड में इजाफा, प्रेशर में कमी आती है, तो चीजें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ये दूसरी एग्जांपल थी, और तीसरी एग्जांपल जो थी वो एयरप्लेन जब फ्लाइट लेता है या लैंड करता है, दोनों सूरतों के अंदर ये स्पीड और प्रेशर का रिलेशन यूज किया जाता है। फ्लाइट लेते हुए नीचे प्रेशर को बढ़ाया जाता है और ऊपर प्रेशर को कम किया जाता है विंग की मदद से। अब विंग जिस पर रोटेट करते हैं तो उससे एयर स्पीड में इजाफा, प्रेशर में क्या होती है, कम होती है, तो आसानी से वो फ्लाइट ले लेता है। और जब लैंडिंग करनी है उसके अपोजिट किया जाता है, नीचे एयर स्पीड को बढ़ाते हैं जिससे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो लो प्रेशर की जानब जो है चीजें वापस। और इसी तरीके से परफ्यूम बोतल है, परफ्यूम बोतल के अंदर क्या होता है, एक साइड के ऊपर एक वैक्यूम पंप होता है और यहाँ पर एक स्टार टाइम मौजूद होता है। अब क्योंकि इसमें एयर ज्यादा होती है इसको हम पुश करते हैं, एयर स्पीड में यहाँ पर इजाफा होता है। जब एयर स्पीड में इजाफा होता है तो प्रेशर के अंदर कमी आती है, प्रेशर में कमी की वजह से यहाँ से परफ्यूम जो है वो ऊपर आ जाती है। और ऐसे ही हमारे पास गाड़ी का कार्बोरेटर है, गाड़ी का कार्बोरेटर के अंदर पेट्रोल एयर मिक्सचर जलता है और जलते हुए बारीक सी नालियाँ मौजूद होती हैं और उन बारीक नालियों के अंदर एयर स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एयर स्पीड जब बढ़ती है तो प्रेशर में कमी आती है, वो एनर्जी इंजन के डिफरेंट हिस्सों को शिफ्ट। और साथ में नेक्स्ट एग्जांपल है फास्ट मूविंग ट्रेन है। फास्ट मूविंग ट्रेन के नजदीक अगर आप कह रहे हैं तो ट्रेन और आपके दरमियान जो एयर स्पीड होगी वो बढ़ेगी। एयर स्पीड जब बढ़ेगी तो प्रेशर के अंदर कमी आएगी और बैक साइड के ऊपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये चांस होगा कि आप ट्रेन के नीचे आ सकते हैं। और इसी तरीके से दो रोबोट जब दरिया के अंदर मूव कर रहे हैं, दरिया के अंदर मूव करते हुए बोट के दरमियान वाटर स्पीड में इजाफा होगा और प्रेशर के अंदर क्या है, कमी आएगी। प्रेशर कम होते हुए अदर साइड के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा तो वो दोनों रोबोट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे। तो अब इन सब एग्जांपल के अंदर एक ही रिजल्ट हमें मिल रहा है कि प्रेशर एंड स्पीड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके लिए थर्ड एग्जांपल है, थर्ड इसकी एप्लीकेशन है वेंट्रीज रिलेशन जो है स्पीड ऑफ फ्लूइड मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है जिसे आप वेंट्रीज मीटर का नाम देते हैं। वेंट्रीज मीटर में जो रिलेशन यूज होती है वो रिलेशन जो है आपने बताने की कोशिश करता है कि इसमें भी हमने डिफरेंट क्लास ले लिया था फाइव और जिसकी हाइट जो है वो सेम है। हाइट सेम होते हुए रो GH1 और GH2 एक दूसरे से कनेक्शन हो गए। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया V1 की जगह पर ज्यादा है तो V1 की स्पीड कम होगी और V2 की ज्यादा होगी। V1 को भी हम इग्नोर कर देंगे ड्यू टू लार्ज एरिया और V2 को इधर ले लेंगे V1 - V2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 और थर्ड हमारे एप्लीकेशंस और लास्ट एप्लीकेशन भी है वो ब्लड फ्लो के बारे में है। ब्लड फ्लो जो है MCQs के अंदर इसके बहुत सारे पॉइंट मौजूद हैं। ब्लड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल हम पढ़ चुके हैं जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, इनकम्प्रेसिबल कहलाता है। और इस ब्लड की जो डेंसिटी है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ब्लड के अंदर 50%
ब्लड सेल होती हैं और 50% जो है व्हाइट ब्लड सेल होती हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर गाढ़ापन पाया जाता है, उस गाढ़ापन की वजह से विस्कासिटी वाटर की विस्कासिटी से 3-5 रह जाती है। ब्लड जिस वेसल के अंदर स्टोर होता है वो रिजिडिटी होती है। एक्सटर्नल प्रेशर से हमारा ब्लड का इंटरनल प्रेशर ज्यादा होता है। इंटरनल प्रेशर ज्यादा होते हुए ऑल टाइम ब्लड वेसल जो है वो पूरी हुई हालत के अंदर है। नॉर्मल पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है मैक्सिमम 120 टार होता है, जिसे हम सिस्टोलिक प्रेशर का नाम देते हैं, और मिनिमम जो है 75-80 टार होता है, जिसे डायरेक्ट जिस वक्त इंसान रिलैक्स स्टेट के अंदर है ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी 75-80 टार नॉर्मल पर्सन के लिए, जिसे हम डैश टार का नाम देते हैं। और हार्ड वर्क में एक्सरसाइज या गेम के वक्त जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी वो 120 टार होगी। ये 75-120 टार का ध्यान ज्यादा रहता है, चेंज होता रहता है। और वन टार जो है 133.3 न्यूटन मीटर इंगार्स से गया। ब्लड कैसे यूनिट न्यूटन मीटर इंगार्स से गया या पास्कल, ये ब्लड प्रेशर प्रेशर का यूनिट नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो हम यूज करते हैं वो टार या MMHg यूज करते हैं। न्यूटन मीटर इंगार्स से गया या जो है पास्कल हम यूज नहीं करते, बल्कि टार या हमारी बॉडी विदाउट हार्ट एक खाली बर्तन के अंदर जैसे पानी मौजूद हो वैसे तैयार कर रही होती है। अब खाली बर्तन के अंदर कितनी भी लिक्विड मौजूद है तो उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होता है, इक्वल होता है 760 बार होता है। और जिस वक्त हार्ट पंपिंग करता है, हार्ट पंपिंग की वैल्यू जो है वो मेजर हो रही होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो बैलेंस कर रही है वो बैलेंस करने वाली वैल्यू जो है वो मेजर नहीं हो रही होती। जस्ट लाइक जब हम 120 रीडिंग देख रहे होते हैं, एक्चुअली 120 रीडिंग नहीं होती, वो 80 होती है, 760 उसको बैलेंस कर रही होती है और 120 जो है उसे एक्स्ट्रा नहीं होती है। ये जो भी उसकी वैल्यू मेजरमेंट ध्यान किस तरीके से करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए बैग के अंदर हवा भरती है, हवा भरते हुए एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल प्रेशर से बढ़ाते हैं। जब एक्सटर्नल को इंटरनल से बढ़ाते हैं तो वेसल्स क्या हो जाते हैं, क्रैक्स होते हैं। अब वेसल्स जब क्रैक्स होंगे ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ही डिवाइस जिसकी मदद से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं वो कहलाता है स्पेक्ट्रोमैनोमीटर। स्पेक्ट्रोमैनोमीटर की मदद से मेजर करते हुए अब एयर भरने के बाद क्योंकि हमने एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल से बढ़ाया, वेसल क्लैप्स हो गए। वेसल के क्लैप्स होने की वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो रुक गया है। ब्लड कॉमन हालत के अंदर स्टीली होता है। अब एयर को हम रिलीज करेंगे, एयर को रिलीज करते हुए टर्बुलेंट फ्लो के अंदर आएगा, इरेगुलर फ्लो के अंदर आएगा। स्टेथोस्कोप की मदद से हम रीडिंग देखेंगे। स्टेथोस्कोप के ऊपर रीडिंग देखने के दो मेथड है, एक तो ये है कि नीडल के अंदर एक रुकावट फील होगी, जो पहली रुकावट फील होगी वो किसको जाहिर करेगी, सिस्टोलिक प्रेशर को जाहिर करेगी। या स्टेथोस्कोप के जरिए से हम आवाज सुनेंगे, वो जो पहली आवाज सुनाई देगी वो किसको जाहिर करेगी, सिस्टोलिक प्रेशर को जाहिर करेगी। ऐसा ऐसा ब्लड जो है स्टीम टर्बुलेंट स्टीम लाइन के अंदर आ जाएगा, दोबारा एक झटका सा स्टेथोस्कोप के अंदर फील होगा, या दूसरे लक्षण है कि वो साउंड हम सुन रहे थे वो साउंड हमें सुनाई नहीं देगी, साउंड जिस पॉइंट के ऊपर सुनाई ना दे, या जो दूसरा झटका होगा। अब जो
क्योंकि ब्लड स्ट्रीम नहीं में आ चुका होगा तो वो कम से कम ब्लड प्रेशर को मेजर करेगी, जिसे हम किसको किसका नाम दे रहे हैं, नया स्टालिन का नाम दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम सिस्टालिक और डायस्टालिक दोनों प्रेशर को हम मेजर कर लेंगे। ये हमारा आज का चैप्टर भी खत्म हो गया है और साथ में इसमें जो एमसीक्यूज हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे हमने मेंशन की नहीं है कि डेंसिटी वाटर की डेंसिटी इक्वल विस्कोसिटी वाटर की विस्कोसिटी से 3 to 5 टाइम लार्ज है और मैक्सिमम ब्लड प्रेशर की वैल्यू 120 टाइम जिसे हम सिस्टालिक का नाम देते हैं और मिनिमम 75-80 टाइम जिसे हम डायस्टालिक का नाम देते हैं और 1 to 1.3 न्यूटन मीटर पर सेकंड और ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला डिवाइस जो है वो स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। तो इस लिहाज से ब्लड फ्लो के अंदर एमसीक्यूज के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मौजूद है, उम्मीद है आपको समझ में आया।